अरुणाचल में बीजेपी भारी बढ़त की ओर है। अब तक 28 सीटों पर बीजेपी आगे है। एनपीपी 8 और एनसीपी 3 सीट पर आगे। इसके अलावा और जानकारी हमें जो मिल रही है, पीपीए 2 और कांग्रेस को 1 सीट पर बढ़त की जानकारी है और रुझानों में 2 सीटों पर निर्दलीय भी आगे बताए जाते हैं। और अब सिक्किम की अगर बात कर लें तो सिक्किम में एसकेएम भारी बढ़त की ओर है। 32 सीटों में से 29 सीट पर एसकेएम आगे है। एसडीएफ को केवल 1 सीट पर बढ़त है। यानी यहां पर आप देख सकते हैं कि एसकेएम सरकार एक बार फिर से, और अरुणाचल की बात की जाए तो वहां पर बीजेपी सरकार एक बार फिर से, दोनों जगहों पर लगभग वही तस्वीर, पुराना जो नतीजा है वही एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। और अब बात कर लेते हैं एग्जिट पोल की। लोकसभा चुनाव के 7 चरणों की वोटिंग खत्म हो चुकी है। इंतजार 4 जून का है। अब 543 सीटों की तस्वीर साफ हो जाएगी। 4 जून को एबीपी न्यूज आपको सबसे तेज नतीजे दिखाने वाला है। लेकिन फाइनल नतीजों से पहले एबीपी न्यूज और सी वोटर आपके लिए जो सर्वे लेकर आया है, 543 सीटों का सबसे भरोसेमंद एग्जिट पोल, इसमें एक बार फिर से मोदी सरकार बनने का अनुमान है। आपको हर राज्य की फाइनल पिक्चर हम दिखाएंगे, किसे कितनी सीट और कौन जाएगा बहुमत के पार, किसके लिए जनता ने बंद किए द्वार। लेकिन आज 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आ रहे हैं। 2019 की तुलना में इस बार एनडीए को भारी बहुमत का अनुमान है। एग्जिट पोल का जो इशारा है, एनडीए को मिला बंपर बहुमत। एक बार फिर मोदी सरकार का ही अनुमान, यानी मोदी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। पिछला रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो एग्जिट पोल का जो इशारा है, और तमाम जो पोल अलग अलग जगहों पर हुए हैं अलग अलग एजेंसीज की तरफ से, वो औसत भी अगर आप निकाल लें तो साफ तौर पर एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। एबीपी न्यूज सी वोटर एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक यूपी में एनडीए को फायदा मिल रहा है। यूपी में फिर से एनडीए बाजी मार सकती है। कहा यह जा रहा है कि यूपी से ही दिल्ली की सत्ता का रास्ता जाता है। ये एक राजनीतिक कहावत भी आपको पता है, क्योंकि लोकसभा की वहां पर सबसे ज्यादा सीटें हैं। तो क्या इस लिहाज से फिर से बीजेपी की सरकार ही बन रही है? एग्जिट पोल का साफ इशारा यही है कि फिर एक बार मोदी सरकार। उत्तर प्रदेश में एनडीए को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है, यह एग्जिट पोल का साफ तौर पर इशारा समझा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश में एनडीए को नुकसान नहीं, यह एग्जिट पोल कह रहा है। हालांकि पूर्वांचल में आखिरी चरण में जहां पर चुनाव हुआ 7वें फेज में, वहां यह बताया जा रहा था कि बनारस को अगर छोड़ दें तो बाकी सीटों पर कांटे की टक्कर है। लेकिन जो एग्जिट पोल का इशारा है वो साफ तौर पर कह रहा है कि बीजेपी अपना पुराना रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में तोड़ सकती है। और वोट प्रतिशत के लिहाज से इन आंकड़ों को अगर देखा जाए तो उसे हम कैसे समझें, मैं सीधे आपको लिए चलता हूं डेटा सेंटर मेरी सहयोगी स्नेहलता के पास। बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश, इस बात को समझना बेहद जरूरी है। आंकड़े, अब इन्हीं आंकड़ों पर नजर रहेगी और नंबर गेम कितना इंपॉर्टेंट है हर एक पार्टी के लिए, इसी पर तो निगाहें टिकी हैं। और सर्वे भी कुछ इसी तरीके से हुआ है, एक सैंपल साइज, और उसके बाद से अब देखिए किस तरीके के आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगी मैं। एनडीए को 44% सबसे बड़े राज्य देखा जाए, उत्तर प्रदेश की बात करें 80 सीटों वाले, और इंडिया गठबंधन की बात करें तो ये वोट प्रतिशत आता है बहुत ज्यादा पीछे नहीं, 37% पर बीएसपी और 14%, जबकि अन्य के खाते में यहां पर ये आंकड़ा 5% के महज नजदीक रह जाता है। अन्य भी मैटर करते हैं। आइए अब सीटों पर बात करते हैं। 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में अब कैसे बंटवारा होगा, किस तरीके से सर्वे इशारा करता है, किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी, ये भी आप देख लीजिए। देखिए एनडीए के खाते में 62 से 66 सीट, यानी कि कुल मिलाकर के बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पिछले बार से, जबकि इंडिया गठबंधन के पास 15 से 17 सीटों का अनुमान जाता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अन्य के लिए कोई भी सीट जाती दिखाई नहीं दे रही है। कुल मिलाकर के सबसे बड़े लोकसभा क्षेत्र वाले उत्तर प्रदेश में ये सीटों का आंकड़ा है। एनडीए के लिए 62 से 66, इंडिया के लिए 15 से 17 और 0, यानी किसी और के लिए कोई भी खाता नहीं खुलने का अनुमान लगा रहा है एबीपी सी वोटर का ये सर्वे। अखिलेश बिल्कुल सुनिलता, इस पर हम चर्चा भी करने वाले हैं। मेरे साथ जो मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं उनसे मैं बातचीत करूंगा, लेकिन एग्जिट पोल पर यूपी बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी, उन्होंने कहा कि 4 जून को एनडीए 400 सीट जीतने वाली है। इंडिया अलायंस पूरी तरीके से हार रहा है।
प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार ने जो शानदार जीत इस लोकसभा चुनाव 2024 में हम लोग जीत दर्ज करने जा रहे हैं, ये हमारे लिए हमारी सरकार का सेवा सुशासन और गरीब कल्याण को जो मोदी जी की नीतियां हैं उसी की जीत होगी। और निश्चित रूप से जो विपक्ष ने प्रोपगंडा फैलाकर एक नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश की है उसकी पराजय होगी। जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं हम उसका सम्मान करते हैं जो भी आंकड़े आए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले अगर 2014 के और 19 के भी अगर आप एग्जिट पोल के आंकड़े देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने उससे ज़्यादा ही सीटें जीती हैं। हालांकि तमाम जो एग्जिट पोल्स हैं वो 400 पार वाली बात तो खैर नहीं कह रहे हैं, लेकिन राकेश जी सवाल एक ये बनता है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं आपसे बात कर रहा हूं कि बीजेपी क्या इसी तरीके से जबरदस्त परफॉर्म करने वाली है जैसा पिछला नतीजा था, क्या आपका भी अनुमान है? मुझे लगता है कि 60 सीटें बरकरार रहेंगी भारतीय जनता पार्टी की, ये मेरा अनुमान है, क्योंकि 2019 की स्थितियों के विपरीत इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव जाता हुआ नहीं दिखा। उसके सबसे बड़ा कारण ये है कि जो इंडिया गठबंधन के दो बड़े दल हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहेगा लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन में बिल्कुल सुधार नहीं है। कांग्रेस रायबरेली के अलावा कोई भी सीट बहुत अच्छे तरीके से लड़ती हुई नहीं दिखी है। 17 सीटों पर चुनाव लड़ी, रायबरेली सीट से राहुल गांधी यदि चुनाव नहीं लड़ते तो मुझे लगता है इस बार रायबरेली सीट में भी कांग्रेस के लिए मुश्किल पैदा हो जाती। बाकी सहारनपुर में भी चुनाव हुआ, ये कहा गया कि शायद कांग्रेस अच्छी स्थितियों में रहेगी, पर अभी लड़ाई अच्छी हुई है पर कहना कठिन है कांग्रेस जीतेगी। एक सीट से ज़्यादा कांग्रेस नहीं जीत रही और समाजवादी पार्टी में अपने परिवार की सीटें वो जीत पा रही है। मतलब जो लोग संविधान बचाने की बात कह रहे थे, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, उनकी बातों पर मतलब जनता ने यकीन नहीं किया, ये कह रहा है। देखिए संविधान के जहाँ तक बात है तो संविधान बचाने की और संविधान को खत्म करने का एक मुद्दा उठाया गया, लेकिन वो मुद्दा कहाँ जाएगा? वो मुद्दा तो सीधे बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाएगा, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पे दावा तो बहुजन समाज पार्टी करके चल रही, तो कांग्रेस कहाँ उस मुद्दे को ज्यादा फ्लैश कर पाएगी। ठीक है, अच्छा दीबान, ये जो एग्जिट पोल का इशारा है यही नतीजों में अगर तब्दील हो जाता है तो इसका साफ तौर पर मतलब फिर ये निकाला जाएगा कि जनता जो ब्रांड मोदी है उस पर यकीन कर रही है अभी भी? जी हाँ, बिल्कुल ब्रांड मोदी पर यकीन कर रही है, और इससे ये भी बात साफ हो जाएगी कि देखिए चुनाव प्रचार जब होता है तो उस दौरान एक अलग किस्म की हवा बनती है, लेकिन अक्सर होता क्या है कि लोग 6-7 महीने पहले 8 महीने पहले ही मन बना लेते हैं कि इस बार हमको किसको वोट देना है। बहुत कम ऐसा फ्लोटिंग वोट होता है जो तय करता है आखिरी मौके पर, और इससे ये भी तय हो जाएगा कि लोग पहले से मन बना लिए थे और उन्होंने उसी हिसाब से वोट दिया। चुनाव प्रचार की गर्मी जो भी रही हो, चुनाव प्रचार में जो भी कहा गया हो, उसका बहुत ज़्यादा असर लोगों पर हुआ नहीं और कोई ऐसा मुद्दा नहीं निकल कर आया जिससे लोग अपना जो मन बना चुके हैं उसको बदलें। मेरे ख्याल से फ्लोटिंग वोट इधर उधर हुआ होगा जिसकी संख्या अक्सर उतनी नहीं होती, बड़ी संख्या में लोगों ने पहले ही मन बना लिया और उसी की परिणति ये चुनाव नतीजा है, ये चुनाव ये रुझान है, फिलहाल तो नतीजा नहीं कह सकते। हाँ, मतलब एग्जिट पोल का जो इशारा है। तो दीपक जी, लेकिन क्या आपको लगता है ये जो तस्वीर नजर आ रही है इसका एक मतलब ये भी है कि जो ये अलायंस बना था इंडिया गठबंधन, इसकी कहीं बातों पर या ये जो मुद्दे इनकी तरफ से उठाए गए थे उस पर जनता को इतना भरोसा नहीं था जो मोदी की बातों पर वो भरोसा कर रही है जनता? हाँ, ऐसा ही लगता है, क्योंकि देखिए नहीं, जैसे आपके रुझान आ रहे हैं उससे तो ये बहुत पिछड़े नज़र आ रहे हैं जो ये फिगर्स क्लेम कर रहे थे। ये तो इन्होंने तो ये भी कहा था कि हम सरकार बनाएंगे, मुझे नहीं लगता कि उनको पब्लिक सपोर्ट मिला उसमें। और दूसरी बात ये है कि देखिए बीजेपी के लिए मोदी अलोन अकेले ही एक फैक्टर हैं। अब लोग कहते हैं कि किसको वोट किया, कह मोदी को वोट किया, उनको लोकल कैंडिडेट का नाम भी नहीं मालूम, वो बीजेपी को ऐसे सपोर्ट मिली है। नहीं, कई जगह ऐसा भी हुआ है, मैं भी घूम रहा था सर, मैंने 28,500 किलोमीटर सड़क मार्ग से इस बार इलेक्शन कवरेज के लिए मैं देश भर में घूमता रहा, कई जगहों पर ऐसा भी हुआ कि लोग कैंडिडेट से बहुत नाराज भी थे, फिर भी आखिर में राकेश जी ये कह रहे थे कि चलिए मोदी के नाम पर हम वोट डाल देंगे बीजेपी को, ऐसा ही हुआ। हाँ, तो उसी का सही है कि इस बार जो टिकट वितरण हुआ उसको लेकर नाराजगी थी कार्यकर्ताओं में भी और मतदाताओं में भी, और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, आप घूमे होंगे तो बिहार में भी था, मध्य प्रदेश भी था, राजस्थान भी था। हाँ, ये तमाम जो हिंदी पट्टी के राज्य है यहाँ कार्यकर्ता और मतदाता दोनों प्रत्याशी को लेकर नाराज था, लेकिन
दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक विश्वास और दूसरी स्पष्टता। नरेंद्र मोदी इसी पे एक ब्रांड बन गए, उनके प्रति लोगों में विश्वास जो बना है वो विश्वास अभी तक विपक्ष डगमगा नहीं पाया है। और स्पष्टता ये है कि यदि वो जिस मुद्दे पे स्पष्ट हैं वो स्पष्टता से इधर से उधर डिगे नहीं है। ये दोनों चीजें मतदाता और कार्यकर्ताओं की नाराजगी को काउंटर किया है और इसी के चलते उनका वोट बढ़ा है। जैसे छत्तीसगढ़ में अभी कल ही हम लोग देख रहे थे 61% वोटिंग, यानी ये वोटिंग तो आपकी 5 से 6% पिछले चुनाव से भी ज्यादा जा रही है। पिछली बार कांग्रेस वहां 2 सीटों पर जीती थी, इस बार तो हमें लगता है उसका खाता नहीं खुलेगा। तो वोट परसेंटेज जो हम ये आकलन कर रहे थे कि इस बार मतदान कम हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है, लेकिन जो अभी रुझान आया है उससे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं हो रहा वोट परसेंट कम होने के बाद। अच्छा, एक सवाल दिबांग मैं आपसे समझना चाहूंगा, यूपी के संदर्भ में ये सवाल है, उसके बाद मैं कुछ और राज्यों का भी रुख करूंगा, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी पिछली परफॉर्मेंस को दोहराती है या उससे बेहतर करती है तो ये योगी मोदी के नाम पर वोट डाला होगा जनता ने, या सिर्फ ये मोदी वाला ही फैक्टर यहाँ पर है? मोदी की बात होती है पर मोदी फैक्टर अपने आप में इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा बड़ा है कि उसकी तुलना में फिर बाकी और कोई नेता ठहरता नहीं है। और अगर आप उसको देखें विजुअली भी, जिस तरह से दोनों जब नेता होते हैं और जिस तरह से क्राउड का रिस्पांस होता है, तो उसमें ये बात समझ में साफ आती है कि ये बाकी और कोई ठहरता नहीं है। तो अगर आप मुख्यमंत्रियों की बात करें तो मुख्यमंत्रियों का कद ज़रूर होगा, योगी जी का कद ज़रूर है, उनको बुलाया भी जाता है चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन मोदी से उसकी तुलना बिल्कुल नहीं की जा सकती है। मोदी बिल्कुल अलग कैटेगरी में है अगर बीजेपी के नेताओं की बात करें, और तो वो कहीं ठहरते नहीं हैं। बाकी ये ज़रूर है कि दोनों की जीत ये मानी जाएगी, और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से प्रचार किया, जितना सघन प्रचार किया, जिस तरह से लगातार उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए एक के बाद एक, तो ये जो चुनाव था उसमें सिर्फ वही दिखाई देते थे और वो शुरू से दिखाई दे रहे थे और आखिर तक दिखाई देते रहे। मेरे ख्याल से ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है। और एक जो चीज़ इन चुनाव में देखी गई, जो एक तरीके से जिनको कहा जाता था कि पर्दे के पीछे से ही काम करते रहते हैं, सामने नहीं आते हैं, वो भी काफ़ी दिखाई दिए। मैं बात कर रहा हूँ अमित शाह की। हाँ, बिल्कुल, अमित शाह जिस तरीके से इस बार सामने दिखाई दिए, वो पिछले चुनाव में नहीं दिखाई देते थे। जिस तरीके से उन्होंने प्रचार किया, इंटरव्यू दिए लगातार, वो एक बड़ा परिवर्तन अगर आप पिछले चुनाव के चुनावों की तुलना में। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई दिख रही है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल का इशारा साफ तौर पर यही कि उत्तराखंड में बीजेपी सारी सीटें जीत रही है लोकसभा की। उत्तराखंड में क्लीन स्वीप करती दिख रही है बीजेपी। आइए सीधे मैं आपको डेटा सेंटर स्नेहलता के पास लिए चलता हूं, कुछ अहम आंकड़े आप तक वो पहुंचाएंगी स्नेहलता। बिल्कुल, और दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं आंकड़ों की जब बात की जाती है किसी भी राज्य के लिए, एक तो वोट प्रतिशत और कितनी सीटें आ रही हैं किस पार्टी को, दोनों ही आंकड़े आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वोट प्रतिशत की, तो एनडीए को 58% यहां वोट प्रतिशत मिलता दिखाई दे रहा है। अब इंडिया गठबंधन की बात कर लीजिए आप, तो यहां पर 34% वोट प्रतिशत उनके खाते में जाता दिखाई दे रहा है। आंकड़ों की बात कर रहे हैं सी वोटर सर्वे के बाद जो निकल करके सामने आया। अदर्स के लिए यहां पर जो आंकड़ा है वो 8% का है। अब आइए बात कर लेते हैं वोट प्रतिशत के बाद क्या सीटों का हिसाब किताब है, तो कुछ खास हिसाब किताब है नहीं। देवभूमि की बात कर लें तो 5 सीटें वो पूरी की पूरी यहां पर एनडीए के खाते में जाती दिखाई दे रही है और खाली हाथ दिखाई दे रहा है इंडिया गठबंधन कह लीजिए, कांग्रेस कह लीजिए या अदर्स के लिए। और इस तरीके से छोटा राज्य है लेकिन 5 की 5 सीटें किसके खाते में जाने वाली हैं इसका इशारा इस सर्वे से मिल रहा है। ओवर टू यू अखिलेश। शुक्रिया स्नेहलता इस जानकारी के लिए आपका। एग्जिट पोल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एग्जिट पोल पर यह कहा कि यह आंकड़ा 4 जून और आगे बढ़ेगा, यह प्रधानमंत्री मोदी की नीति और नियत की जीत है। सभी एग्जिट पोलों में एनडीए और भाजपा को प्रचंड बहुमत दिखाया गया है और ये एग्जिट पोल उस दिन और आगे बढ़ेंगे जिस दिन 4 जून को रिजल्ट आएगा, और जैसे जैसे मतगणना प्रारंभ होगी ये आगे बढ़ते जाएंगे और मोदी जी तीसरी बार प्रचंड जीत के साथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये जीत भारत के मोदी जी के 140 करोड़ परिवारजनों की जीत है, उनकी नीति और नियत की जीत है, गरीब कल्याण सुशासन की जीत है जो उन्होंने देश के लिए अपना एक एक पल और एक एक क्षण लगाया है, ये उसकी जीत है।
और ये ऐतिहासिक होगा। देखिए, उत्तराखंड को देवभूमि भी कहते हैं और बीजेपी के लिए एक तरीके से राजनीतिक प्रयोग की धरती भी नजर आई। ऐसे में राकेश जी, अगर यहाँ पर 5 की 5 सीटें बीजेपी लेती हुई नजर आ रही है तो क्या इसमें कोई आश्चर्य है? नहीं, आश्चर्य नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी स्थितियों में पहले भी थी और इस बार भी है। हाँ, ये जरूर था कि हरिद्वार सीट पे थोड़ा सा लग रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री रावत जी की सीट फंस सकती है। उसका कारण जो सबसे बड़ा ये था कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने मंदिरों को लेके कानून बनाया था, जिसके लिए उनको पीछे हटना पड़ा था। बाद में उनको हटा के फिर पुष्कर सिंह धामी को बनाया गया चीफ मिनिस्टर, तो लगा कि शायद हरिद्वार की सीट फंस सकती है। लेकिन ये रुझान बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे डेवलपमेंट वहाँ सबसे बड़ा इशू है। उत्तराखंड में जो विकास के काम हुए हैं उसको लेके जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास जाहिर किया। दिल्ली की अगर मैं बात करूँ अब, तो दिल्ली की सभी 7 सीटों पर अभी बीजेपी काबिज है, लेकिन इस बार बीजेपी ने कई सीट पर प्रत्याशी बदले। महा एग्जिट पोल में इस बार दिल्ली में इंडिया गठबंधन का खाता खुल सकता है। बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिया अलायंस को भी सीट मिल सकती है। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं डेटा सेंटर स्नेहलता के पास। स्नेहलता, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल अखिलेश, देखिए दिल्ली 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 और दिल्ली के दिल में क्या है ये तो 4 तारीख को क्लियर हो जाएगा, लेकिन समझदार को इशारा क्या है सी वोटर सर्वे का आपके सामने रखें। दिल्ली की तरफ से एनडीए को 4 से 6 सीट का ये आंकड़ा, ये अनुमान सामने आता है। और इंडिया गठबंधन के लिए, जो पिछली बार खाता भी नहीं खोल पाया था, यहां पर 1 से 3 सीटें आ सकती हैं। अदर्स का कोई नामो निशान नहीं, लेकिन ये अहम है कि 7 की 7 सीटें जब दिल्ली वालों ने दिल खोल करके पिछली बार बीजेपी को दी, लेकिन इस बार मामला फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। 4 से 6 सीटों का आंकड़ा सामने आ रहा है। बैक टू यू अखिलेश। और जनता इस पर क्या सोच रही है ये भी जरा दर्शकों तक मैं पहुंचाना चाहूंगा। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे पर दिल्ली की जनता क्या बोल रही है, हमारी संवाददाता मदिहा खान ने उनसे बातचीत की है। एबीपी न्यूज सी वोटर सर्वे जो है वो आ गया है। एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए जो है वो बढ़त बनाए हुए है और सरकार बना रही है तीसरी बार। आखिर इस पे लोगों का क्या सोचना है सी वोटर सर्वे पे, एग्जिट पोल पर लोगों से बात करते हैं। जरा ये बताइए कि जो सी वोटर सर्वे आया उस हिसाब से एनडीए सरकार बना रही है, बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, आप लोग किस तरह से देख रहे हैं सर्वे? सर्वे गठबंधन की सरकार बनेगी, गठबंधन की बननी है सरकार। गठबंधन जो है इंडिया अलायंस की बात, जी जी इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं, तो उसकी सीटें जो हैं वो 150 से 180 के ऊपर दिखा रहे हैं, ज्यादा सीटें नहीं दिखा पा रहे हैं। जो एनडीए है, बीजेपी है, उसकी सीटें ज्यादा दिखाई जा रही हैं सर्वे में, तो उस पे आप लोग क्या? ये कोई बात नहीं, वो दिखा रहे हैं, दिखाना तो कोई दिक्कत नहीं, सरकार गठबंधन की ही बननी है। प्रधानमंत्री जो बनना है वो अखिलेश उसे ही बनना, राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री बनना। अच्छा, मुझे ये बताइए कि दिल्ली में 7 सीटें हैं, 7 में 4 से 6 सीटें जो हैं वो तो बीजेपी की दिखा रहे हैं, सिर्फ 1 से 3 सीटें ही गठबंधन को। 7 की 7 सीटें गठबंधन की आ रही हैं, 4 केजरीवाल की और 3 राहुल की, 7 की 7 सीटें। एक महिला है आपसे जानती हूँ कि जो सर्वे दिखाया जा रहा है उस हिसाब से भाई जो इंडिया अलायंस है उसकी सीटें इतनी नहीं आ पा रही हैं, सरकार बनती हुई नहीं दिख रही है, इस पर आपका क्या? हम तो ये चाह रहे हैं कि सरकार राहुल गांधी की बने, कांग्रेस की, क्योंकि हम बहुत परेशान हो गए महंगाई से, कारोबार, इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि सरकार कांग्रेस की बने। यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। ये बताइए आप लोग के सी वोटर सर्वे जो है वो दिखा रहा है कि एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है, 300 के से ज्यादा सीटें दिखा रहे हैं, 350 के करीब, और इंडिया अलायंस की सीटें सिर्फ 150 से 180 के पास हैं। तो सी वोटर सर्वे पर, एग्जिट पोल पर आपका क्या? मैम, आई थिंक ये जो सर्वे है इस थोड़ा सा ऊंचा नीचा तो हो ही सकता है, बट गवर्नमेंट बीजेपी की आ जाएगी। और दिल्ली की अगर बात करें तो 7 सीटों में 4 से 6 सीटें जो हैं वो बीजेपी एनडीए की दिखा रहे हैं, उसके अलावा अगर बात करें 1 से 3 सीटें गठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस की दिखा रहे हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? 50-50 है दोनों का यहाँ। अच्छा, लगता है कुछ सीटें इंडिया अलायंस की आएंगी और कुछ आएगी यहाँ पर, चूँकि देखा है मैंने। तो लोगों की राय आपने सुनी, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले दिबांग आप उत्तराखंड पे कुछ जोड़ना चाह रहे थे, बिल्कुल छोटे। देखिए, उत्तराखंड में जो एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है वो पौड़ी गढ़वाल की है, जहाँ से अनिल बलूनी चुनाव लड़ रहे हैं, और आपने देखा थोड़ी देर पहले वहाँ मुख्यमंत्री जी भी बात कर रहे थे, तो एक तरीके से धामी कुछ अटकते हिचकते हुए आए, और इस समय ये जो बड़ी जीत होगी, धामी एक तरीके से एस्टैब्लिश हो जाएंगे,
अनिल बलूनी के बारे में ये बताया जा रहा है कि जो आगे जो भी सरकार बनेगी केंद्र में जिस तरह भी राजनीति चलेगी उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आगे भी दिखाई दे सकती है, वो भी उन लोगों में रहे जो एक तरीके से बैकरूम बॉय रहे और वो अब एक तरीके से इस चुनाव के बाद सामने आ जाएंगे, दिखाई देंगे, राज्यसभा में तो रहे अब लोकसभा में दिखाई देंगे और मजबूती के साथ नजर आने लगेंगे। बिल्कुल। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल में केरल की अगर बात करें तो एनडीए को 103 सीट मिलने का अनुमान है, यूडीएफ को 17 से 19, एलडीएफ 0 और अन्य को भी 0, यानी उनका भी खाता नहीं खुल पाएगा। यूडीएफ को 17 से 19 सीट मिलने का अनुमान इसमें जाहिर किया गया है। विस्तार से आप तक जानकारी पहुंचाएंगी डेटा सेंटर से मेरी सहयोगी स्नेहलता। बिल्कुल अखिलेश, देखिए जिस तरीके से केरल का जिक्र किया है, सीटों पर आके निगाहें टिकती हैं। सी वोटर के इस सर्वे से क्या चीजें निकल करके सामने आई है, जो नंबर है वो फिगर है वो आपके सामने है। देखिए यूडीएफ के लिए 17 से 19 ये आंकड़ा निकल करके सामने आया है और एलडीएफ की बात करें तो 0 दिखाई दे रहा है। एनडीए के लिए बात करें तो 1 से 3 का आंकड़ा, अदर्स के लिए कुछ भी नहीं। तो ये केरल का जो डेटा है डेटा सेंटर से ये आपके सामने हमने रख दिया। ओवर टू यू अखिल। इस पर अब हम बातचीत भी कर लेते हैं और लक्ष्मण जी, अगर मैं आपसे समझना चाहूं केरल का जो एग्जिट पोल है उसका संकेत आपको क्या नजर आ रहा है, खासतौर पर एनडीए के खाते में अगर 1 से 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अगर ये आंकड़े सही होते हैं ये बहुत बहुत बड़ी बात होगी बीजेपी के लिए, क्योंकि अभी तक केरला में और तमिलनाडु में भी खासकर वो अपना अकाउंट ओपन ही नहीं कर पाए। अगर ये हमारे नंबर जो एग्जिट पोल के ठीक लगते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी और इसका जो मतलब ये होगा कि साउथ में बीजेपी का विस्तार होने लगा है और इसका कुछ हद तक आंध्र में भी दिखेगा। अच्छा, इसका असर आगे भी आपको लग रहा है कि कुछ और राज्यों में भी होगा, लेकिन दिबांग इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप गौर करें एलडीएफ 0 यानी उनका खाता भी नहीं खुल पा रहा है। जी हाँ, एलडीएफ कि अगर आप बात देखें या यूडीएफ की बात देखें तो केरल में बाजियां इस तरह ही पलटती हैं, अक्सर अच्छा। इसी तरह से नज़र आते हैं, लेकिन ये जो एनडीए वाली बात है ये बहुत बड़ी बात है। ये तो त्रिशूर एक सीट है जहां पर गोपी लड़ रहे हैं जो कि अभिनेता भी हैं, ये उम्मीद की जा रही थी कि वो अच्छा करेंगे। अनिल जो एंटनी साहब के बेटे हैं उनके बारे में भी कही जा रही थी और तिरुवनंतपुरम, क्या ये इशारा ये भी है कि तिरुवनंतपुरम में जो सांसद हैं कांग्रेस के सब जगह दिखाई देते हैं शशि थरूर, क्या उनकी भी हार का ये इशारा करती है, क्योंकि पिछली बार जो उनका मार्जिन था बहुत कम था, इस बार भी वो सीट फंसी हुई नज़र आती थी और ये कहा जा रहा था कि अगर सीपीएम मदद कर दे तो शायद वो अपना सीट निकाल लें। और राजीव चंद्रशेखर जो बहुत, वो भी एक बहुत दिखने वाले और बहुत प्रभावशाली नेता हैं बीजेपी के, वो वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक ये एक बड़ी शुरुआत है और ये भी हिसाब लगाया जा रहा है कि आगे कभी भी ज़रूरत पड़ेगी, अगर उत्तर भारत में कभी कमी भी हो तो दक्षिण में एक तरीके से कमल खिलता नज़र आएगा और ये मिशन 50 इनका एक कोशिश थी कि दक्षिण से 50 सीटें लेने की कोशिश करें, तो ये उसकी एक शुरुआत भर है। और ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होगी वोट प्रतिशत, एक खास वोट प्रतिशत तक आपको सीटें मिलती नहीं हैं, फिर एक मुकाम ऐसा आता है 20-22% जहां से आपको सीटें, अब जो बढ़ेंगी वोट बढ़ेगा तो सीटों उस अनुपात में कहीं ज़्यादा बढ़ेंगी पहले के मुकाबले। ठीक है राकेश जी, अगर एनडीए 1 से 3 सीट पर जीता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर, क्या ये माना जाए भविष्य की राजनीति के लिहाज से, अभी तो जो हो रहा है सो हो रहा है, भविष्य की राजनीति के लिहाज से बीजेपी के लिए बहुत अच्छी पिच तैयार हो गई है फिर तो? हाँ देखिए, यदि हम केरल को देखें तो हमें बंगाल को देखना होगा। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि वहाँ तृणमूल कांग्रेस को रोकने के लिए जो लेफ्ट का वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गया। तो क्या केरल में लेफ्ट का वोट कांग्रेस यूडीएफ को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहा है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। और यदि वोट परसेंटेज भाजपा का बढ़ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं यूडीएफ के लिए आगे खतरा पैदा होगा। लेकिन एक चीज़ अखिलेश जी ये समझना जरूरी है, 19 के नतीजे को यदि यूडीएफ 24 में दोहरा रही है तो उसका एक बड़ा कारण राहुल गांधी को मानना चाहिए। राहुल गांधी जो वायनाड से चुनाव लड़े उससे एक बड़ा चेहरा जो कांग्रेस का केरल से लड़ रहा है वो एक बड़ा इफेक्ट है यूडीएफ के लिए और ये आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होगा। लेकिन एक छोटी सी बात है, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं फिर असर दिखा? देखिए क्या होता है कि केरल राज्य का अलग है और उत्तर प्रदेश का राज्य अलग है। केरल में राहुल गांधी देश में मुझे लगता है एकमात्र ऐसा राज्य है जिसे राहुल गांधी को अपना नेता
के रूप में देखा है। वायनाड सीट से जब वो चुनाव लड़े तो ये माना गया कि गांधी परिवार का एक व्यक्ति केरल से चुनाव लड़ रहा है और केरल से जनप्रतिनिधि बन के जा रहा है, तो वहाँ जो आपका वोट है वो वोट ईसाई वोट भी उनके साथ गया और बहुत हद तक लेफ्ट को रोकने के लिए हिंदू वोट भी कांग्रेस के साथ गया हुआ है। इसी वजह से वहाँ पे यूडीएफ बढ़ा है और 19 सीट 19 में भी जीता था और इस बार भी जो रुझान दिखाई दे रहा है वो दिखा रहा है कि 19 सीटें इस बार भी यूडीएफ जीत सकता है। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन का जलवा दिखेगा, ये जो एग्जिट पोल है उसका साफ संकेत है। तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन को 37 से 39 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं एनडीए के खाते में 0 से 2 सीटें जाती दिख रही हैं। डेटा सेंटर आपको लिए चलता हूं और ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगी मेरी सहयोगी स्नेहलता। बिल्कुल देखिए अखिलेश, यहां पर अगर आप बात करें तो 39 सीट आती हैं और 39 सीटों में जो आंकड़ा है वो आपके सामने रखें। एनडीए के पास 0 से 2 सीटों का स्कोप बनता दिखाई देता है, जबकि इंडिया गठबंधन की बात कर ले तो 37 से 39 यानी कंप्लीट सीट्स के लिए भी पॉसिबिलिटी बनती दिखाई दे रही है। लेकिन AIADMK की बात कर ले, अदर्स की बात कर ले तो आपको डक जीरो दिखाई देगा और कुल मिलाकर के तमिलनाडु की 39 सीट पे कुछ ये फिगर हो सकता है सी वोटर सर्वे से जो निकल करके सामने आया है। और अब इस पर क्या वजह हो सकती है, इसकी डिटेल एनालिसिस क्या होगी, इसके लिए बैक टू यू अखिलेश। जी लक्ष्मण जी, ये जो 0 से 2 वाला आंकड़ा हम दिखा रहे हैं एग्जिट पोल का जो है एनडीए के लिए है, ये रामेश्वरम वाली सीट तो नहीं हो सकती है जहां से वो पनीर सेल्वम है, उनको बीजेपी से सपोर्टेड है वो? जी लेकिन तमिलनाडु में मैं एग्जिट पोल से थोड़ा अलग सोचना चाहता हूँ। वहाँ पे क्या है कि ये बीजेपी का जो गठबंधन था AIADMK के साथ वो जो टूट गया उसका नुकसान होने को है और हो सकता है कि उन्होंने शायद अनजाने में मदद कर दी हो DMK को पूरा स्वीप करने के लिए। ये अभी अपोजिशन का वोट स्प्लिट होके जो एंटी इनकम्बेंसी काफ़ी इकट्ठी कर ली है स्टालिन साहब ने, लेकिन उसको कहीं मदद मिल रहा है, ये आपस में जो वोट बट रहा है जी, तो इस वजह से ये हमें आज तक नहीं समझ में आया कि बीजेपी ने इस तरीके का जो हो सकता है उनका लॉन्ग टर्म गेम तमिलनाडु में असेंबली के लिए फोकस कर रहे हैं ना कि इस बार ये लोकसभा भविष्य की लड़ाई लड़ भविष्य की लड़ाई। ठीक है, लोकसभा चुनाव में इस बार प्रधानमंत्री मोदी इतिहास रचने की तरफ हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक मोदी की हैट्रिक तय हो गई है, लेकिन नजर ममता के गढ़ पश्चिम बंगाल पर भी है। एग्जिट पोल में ममता के गढ़ में बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ा उलटफेर पश्चिम बंगाल के आंकड़ों में, एनडीए को बंगाल में भारी बढ़त, टीएमसी की सीटें कम हो सकती हैं, तो बीजेपी यहां पर गेन करती हुई नजर आ रही है। श्रीलता, डेटा सेंटर में आप मौजूद हैं, क्या और जानकारी आपके पास है? बिल्कुल, नजर डालनी चाहिए पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल पर जो सी वोटर ने किया 42 सीटों पे, देखिए क्या आंकड़े निकल करके सामने आए हैं। एनडीए के लिए ये डिजिट है 23 से 27 के बीच, ये है नंबर एनडीए के लिए। इंडिया गठबंधन पर आइए तो आपको सीटें मिलती यहां पर दिखाई देंगी 1 से 3, और टीएमसी की अगर आप बात करते हैं तो 13 से 17, अदर्स के लिए कोई स्कोप नहीं। तो ये वो आंकड़ा है जो सी वोटर के सर्वे से निकल करके सामने आया, एग्जिट पोल में सामने आया है, और एनडीए की डिजिट सबसे ऊपर है। अखिलेश, इसकी एनालिसिस क्या कहती है, इसके लिए बैक टू यू। जी बिल्कुल, देखिए एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे पर कोलकाता की जनता क्या सोचती है ये जानना भी जरूरी हो जाता है, सुनवाते हैं आपको। देश में लोकसभा चुनाव का समापन हो गया है और सातों चरणों के मतदान के बाद एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे भी सामने आ गया है और सर्वे में जो नंबर्स आ रहे हैं वो देश में एनडीए की सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। वहीं अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में भी जो एनडीए है वो काफ़ी मार्जिन लेता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बंगाल में जनता क्या सोचती है, कोलकाता के लोग इस सर्वे को लेकर उनकी राय क्या है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। सर, लोकसभा चुनाव पूरा हो गया और अब एबीपी न्यूज़ सी वोटर का सर्वे आया है जिसमें नंबर्स आ रहे हैं कि देश में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इस सर्वे को लेकर क्या आप मानते हैं, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनी? एनडीपी बना हुआ है, एनडीए की बनी। हाँ, बंगाल में जो सर्वे का आंकड़ा आ रहा है उसके मुताबिक यहाँ टीएमसी से लीड कर रही बीजेपी, मतलब एनडीए को 23 से 27 सीट और टीएमसी को 13 से 17, आपको लगता है? फालतू न्यूज़ है। तो आप क्या लगता है बंगाल में टीएमसी आएगा? टीएमसी होगा ही, आएगा, अच्छा अच्छा रिजल्ट करके आएगा।
आपको क्या लगता है 42 में कितनी सीटें जीत सकती है टीएमसी? हम बोलेगा 25। सर देश में चुनाव खत्म हो गया है और एबीपी न्यूज सी वोटर का जो सर्वे है वो ये बता रहा है कि बंगाल में और देश में एनडीए गठबंधन लीड कर रहा है, आपको क्या लगता है? एनडीए होना चाहिए, होगा भी। एनडीए का जो आंकड़ा है वो 353 से 383 आ रहा है, आपको लगता है इतना मिल जाएगा? 300 का ऊपर तो होगा ही, 35 से 375 होगा। और बंगाल में भी एनडीए को बढ़त मिल रही है तो क्या लगता है यहाँ पे एनडीए आगे रहेगा टीएमसी आगे रहेगी? एनडीए आगे, बीजेपी आगे होगा। तो कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं और ये जानते हैं कि आखिर क्या लोग सोचते हैं, क्योंकि अब वोटिंग खत्म हो गई है और अब परिणाम आने की बारी है, 4 तारीख को परिणाम आ जाएगा। तो चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। दादा देश में इलेक्शन खत्म हो गए हैं, एग्जिट पोल अब आ गया है और एग्जिट पोल एबीपी न्यूज से वोटर का है जो बता रहा है कि देश में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? हमको मालूम हो रहा है बीजेपी आएगा।